दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जिसको छोटी सी उम्र में ही रगड़ा रगड़ी करने का चस्का चढ़ गया था और इसके लिए वो अपने एक दोस्त से भटाभट करती है, लेकिन ये उसे संतुष्ट नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं ये आगे क्या क्या कांड करती है। अगर आपको खुल्लम खुल्ला एक्सप्लेन चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, मजा आ जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडिया को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त लहंडे के घर आई थी ताकि वो उससे भटाभट करके मजे ले सके। इसके बाद ये दोनों अपने कपड़े उतार कर पेलम पाली करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों से हो नहीं पाता क्योंकि लहंडे का ये पहली बार था और इसीलिए उसका पोपला टैं बोल गया था। लहंडे की माँ नहीं होती है और उसके साथ बस उसके पापा और एक भाई रहता है। वहीं रात में लहंडी टीवी में भटाभट देख रही थी जिससे वो आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। तभी लहंडी के पापा आके बोलते हैं, लहंडी कैसे आवाज निकाल लिए तू? तो वो कहती है, पापा मैं तो भटाभट देख रही हूँ। ये देखकर उसका बाप शर्मा के भाग जाता है। भटाभट देखने के बाद से रहा नहीं जाता, वो सीधे नहाने चली जाती है और वो भी करने लगती है, बताऊं क्या, गुलगुली। इसीलिए भाई गुजारिश है, ऐसे गंदे काम मत करे करो, ढीले हो जाओगे। अगले दिन स्कूल में लहंडी के दोस्त बोलते हैं, यार सील तुड़वाने में बहुत दर्द होता है। ये सुनकर लहंडी ठान लेती है कि अब मैं सील को चील बना दूंगी। इसीलिए वो लहंडे के घर जाती है तो उससे बोलती है, तूने वो मूवी देख ली? तो लहंडा कहता है, नहीं। तो ये सुनकर लहंडी वहां से जाने लगती है, लेकिन लहंडा उसे रोकने की बहुत कोशिश करने लगता है तो वो लहंडे को चुम्मी देकर वहां से चली जाती है। दरअसल लहंडी ने लहंडे को भटाभट वाली मूवी दी थी जिससे वो जुगाड़ बना के सील का चील बना ले। इसके बाद लहंडी अपने पापा और भाई के साथ लंच कर रही होती है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो लहंडी के पापा से बोलती है, मैं यहां पर नई शिफ्ट हुई हूं और मेरी माँ को पियानो टीचर की नीड है, अगर आपकी नजर में कोई टीचर हो तो जरूर बताना। अगले दिन लहंडी अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाती है जहां पर उसे जूलिया मिलती है। तो वो जूलिया से बोलती है, मुझे पियानो टीचर का नंबर मिल गया है। तो वो कहती है, मुझे किसी टीचर का नंबर नहीं चाहिए, मैं तो बस टीचर के बहाने तुझे देखने आई थी। वहीं पर जूलिया लहंडी को पार्टी के लिए इनवाइट करती है और वो रात को टोटा पीस बनकर जूलिया के साथ पार्टी में जाती है जहां पर वो दोनों काफी मजे करते हैं। लेकिन उसी पार्टी के बीच जूलिया वहां से गायब हो जाती है तो लहंडी उसे कुत्तों की तरह ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर मिलती है जहां पर लहंडी जूलिया को घर चलने को कहती है। तो जूलिया कहती है, नहीं मुझे तो यहीं पर एंजॉय करना है। तो इस पर लहंडी कहती है, मैं तुमसे मजे ले सकती हूँ? तो जूलिया कहती है, हाँ जो मर्जी कर ले। इसके बाद जूलिया कार रुकवाती है जिसमें दो लौंडों ने दबा के ठर्रा पी रखा था। जूलिया उस गाड़ी में बैठ जाती है, साथ में वो लहंडी को भी बैठा लेती है। वहीं कार में पीछे वाला लौंडा लहंडी को छेड़ने लगता है और आगे वाले लड़के को जूलिया छेड़ने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक कर जूलिया से भटाभट करने लगते हैं, लेकिन लहंडी को ये सब ठीक नहीं लगता और वो लौंडा लहंडी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके बाद जूलिया उसे बचा लेती है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर वो दोनों वहां से भाग जाती हैं और वो दोनों लड़के उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तब तक वो दोनों सड़क के पीछे छिप जाती हैं जहां पर जूलिया उसे किस करके अपने घर ले जाती है। घर पर दोनों एक साथ सोते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं। अगले सुबह लहंडी को अपने पापा के कमरे से एक आंटी की चीखें सुनाई देती हैं जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि पापा गेम बजा रहे हैं। अगले दिन लहंडी स्कूल में फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाती है जहां पर वो लहंडे और जूलिया को एक साथ देखती है जिससे उसे जलन मचने लगती है और वो बाद में लहंडे से पूछने लगती है कि क्या तू जूलिया से प्यार करता है, लेकिन लहंडा उसे मना कर देता है। अगले दिन लहंडी अपने पापा के साथ कहीं जा रही होती है तो वो अपने पापा से बोलती है, पापा मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? जिस पर उसके पापा बोलते हैं, बेटा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तो लहंडी कहती है, पापा तो फिर मेरे साथ बेड पर चल लो। तो इस पर उसके पापा बोलते हैं, बेटा तुम मेरी बेटी हो, अभी तुम ना समझो, अगर तुम्हें समझ होती तो तुम मुझसे ये बात नहीं करती। इसके बाद लहंडी जूलिया के घर जाती है जहां पर जूलिया उसे बताती है कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तुम सही हो, तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं डांटते। तो लहंडी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इस पर जूलिया बोलती है, शायद तुम्हारे पापा मुझे पसंद करते हैं और वो अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, जिसे सुनकर लहंडी मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जूलिया अपने मॉम डैड और लहंडी के साथ एक वेकेशन पार्टी में जाती है जहां जूलिया के पापा को ठस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी लुगाई के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जूलिया वहां पर दबा के ठर्रा पीती है और लहंडी को भी पिलाती है। उसके बाद जूलिया एक वेटर के पास जाती है और उसे ठुकाई की बातें करने लगती है तो वेटर कहता है, चल जल्दी मजे आ जाएंगे, और वो दोनों भटाभट करने लगते हैं जिसे देखकर लहंडी भी खुश हो जाती है। उसके बाद जूलिया मूतने चली जाती है तो वो वेटर लहंडी से बोलता है, क्या मैं तेरी पुच्ची ले लूं? जहां लहंडी उसे हां कर देती है और वो वेटर पप्पी लेकर चला जाता है। अगले दिन ये दोनों क्लब में जाती है जहां पर जूलिया लहंडी को एक लड़के के साथ डांस करने को बोलती है और लहंडी भी उसके साथ डांस करने लगती है। जोश माने
जाने के बाद लैंडी उस लड़के से बोलती है, क्या तुम मेरी पप्पी लोगे? तो वो कहता है, नहीं, क्योंकि मैं अपनी बंदी के साथ आया हूँ। तो लैंडी कहती है, अबे उसे क्या पता चल रही है? जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और वो लौंडा लैंडी को बाथरूम में ले जाता है और उसे भटाभट करने लगता है, लेकिन दर्द के मारे वो वहां से बाहर निकल आती है। अगले दिन जब लैंडी अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके पापा एक लड़की के साथ घर आए हैं और उससे कहते हैं कि ये मेरे ऑफिस में काम करती है। उसी रात लैंडी को अपने बापू के कमरे से भटाभट की आवाजें सुनाई आती हैं, जिस वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाती। थोड़े दिन बाद लैंडी के पापा सबको घुमाने ले जाते हैं, जहां उसके साथ जूलिया भी जाती है। वहीं पर जूलिया एक लड़के के साथ दोस्ती करती है और उसके बाद वो लड़का रात में उन दोनों को अपने घर में इन्वाइट करता है, जहां पर लैंडी पहली बार भटाभट का स्वाद लेती है। अगले दिन लैंडी के पापा नहा रहे होते हैं और ये दोनों उनसे मजे लेने लगते हैं। तभी गलती से जूलिया लैंडी के पापा का खंबा देख लेती है और उनकी दीवानी हो जाती है। रात में लैंडी के पापा ने दबा के पी रखी थी और इसी मौके का फायदा उठाकर जूलिया उनके पास जाती है, लेकिन ये देखकर वो बाहर चला जाता है तो जूलिया भी बाहर चली जाती है, जहां पर इस बार वो फाइनली भटाभट कर ही लेते हैं। लेकिन लैंडी उन दोनों को देख लेती है और अपने बाप में भर के रैपट मारती है और बोलती है, साले तू मेरा बाप है, तूने तो मेरी सहेली को पेल दिया, उस दिन तूने मेरे झंड कर दी थी। और वो अपना सारा सामान पैक करके वहां से जाने लगती है, जहां पर उसके पापा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती और एक बोट में बैठकर चली जाती है। तभी बोट नदी के बीचों बीच में फंस जाती है, जिससे वो तैरकर नदी के किनारे आ जाती है, जहां पर लैंडी के पापा पहले से ही होते हैं और वो उसे जबरदस्ती पकड़कर घर ले आते हैं। वहीं पर जूलिया कहती है, अबे तू तो आ गई। तो लैंडी कहती है, नहीं मैं नहीं, मुझे पापा जबरदस्ती लाए हैं। लैंडी जूलिया से कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जूलिया कहती है, हाँ चल। जहां पर लैंडी अंधाधुन रोड पर चलने लगती है, जिसे देखकर लैंडी के पापा और उसका भाई सब डर जाते हैं और लैंडी उन सभी को देखकर हंसने लगती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है पप्पी लव, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। अगर आपको इस मूवी के सभी सीन्स को खुल्लम खुल्ला देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको अगर मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।